Hello everyone. Today I will discuss economics class 10 chapter 1 in the easiest way, okay? Development. What is development? Development means improved condition of living standard. Improved condition of living standard. For example, increased income, good health, etc. अर्थात लोगों का जो लिविंग कंडीशन है उसमें चेंजेस आना, उसमें इम्प्रूवमेंट आना. वो जिस कंडीशन में भी रह रहे उस कंडीशन में इम्प्रूवमेंट होना. हो सकता है उनका इनकम बढ़ना, हो सकता है इन्वायरमेंट में आपका पॉल्यूशन कम हो, ठीक है. हो सकता है उस एरिया का हेल्थ फैसिलिटी में भी आपका इम्प्रूवमेंट हो. वो सभी आपका डेवलपमेंट कहा जाता है. दैट मीन्स इम्प्रूव कंडीशन ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड इज कॉल्ड डेवलपमेंट. फॉर एग्जाम्पल, इंक्रीज इनकम, गुड हेल्थ, गुड इन्वायरमेंट, एसेट्रा. ओके, नाउ डिफरेंट पर्सन हैज डिफरेंट नोशन ऑफ डेवलपमेंट. और क्वेश्चन माइट अराइज, डिफरेंट पर्सन हैज डिफरेंट नोशन और मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट. हर एक व्यक्ति का डेवलपमेंट का मतलब जो है हर एक व्यक्ति के लिए अलग अलग हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल, लैंडलेस लेबर, बेटर वेज, मोर डेज ऑफ वर्क इज द डेवलपमेंट. दैट मीन्स एक लैंडलेस लेबर जो है उनके लिए डेवलपमेंट का मतलब वही हो सकता है, बेटर वेज. उनका जो वेज जो है वो बढ़े, ठीक है, पहले से ज़्यादा वेज मिले. और मोर डेज ऑफ वर्क, रेगुलर काम मिलते रहे. तो यही एक लेबर के लिए डेवलपमेंट हो सकता है, क्योंकि बेटर वेज मिलेगा तो उनका लिविंग स्टैंडर्ड जो है उसमें आपका इम्प्रूवमेंट होगा. मोर डेज ऑफ वर्क मिलेगा, ज़्यादा काम मिलेगा, कंटिन्यूस काम मिलेगा, तो भी इनका लिविंग स्टैंडर्ड जो है उसमें इम्प्रूवमेंट होगा. तो एक लैंडलेस लेबर के लिए यही इम्प्रूवमेंट, यही डेवलपमेंट है. उनके लिए हवाई जहाज खरीदना डेवलपमेंट का से कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है. और इसी तरह से अर्बन अनएम्प्लॉयड यूथ के लिए जो बेरोजगार है, ठीक है, उनके लिए क्या डेवलपमेंट है? एम्प्लॉयमेंट, सिंपल, उनके लिए एक रोजगार मिले, तो यही उनके लिए एक आपका डेवलपमेंट है. क्यों? क्योंकि व्हेन ही गेट्स द एम्प्लॉयमेंट हिज लिविंग कंडीशन विल बी इम्प्रूव्ड. सो ओके, थर्ड वन, फार्मर्स हु डिपेंड ओनली ऑन रेन. जो फार्मर रेन पर डिपेंड करता है एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन के लिए, तो उनके लिए डेवलपमेंट का मतलब क्या हो सकता है? इरीगेशन फैसिलिटी फ्रॉम गवर्नमेंट. गवर्नमेंट उनको इरीगेशन का फैसिलिटी प्रोवाइड करे तो इनका एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा. तो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगा तो इनका लिविंग स्टैंडर्ड में भी इम्प्रूवमेंट आएगा. तो इनके लिए भी यही आपका डेवलपमेंट है, ठीक है. दैट मीन्स नोशन ऑफ डेवलपमेंट और द मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट पर्सन. व्हाई? बिकॉज द सिचुएशन ऑफ द पीपल आर डिफरेंट. हर लोगों का अपना अपना अलग अलग सा सिचुएशन है. तो जिस सिचुएशन में भी लोग हैं तो उस सिचुएशन में परिवर्तन आना, इम्प्रूवमेंट आना, यही तो डेवलपमेंट है. नाउ कन्फ्लिक्टिंग गोल ऑफ डेवलपमेंट. इतना ही नहीं, डेवलपमेंट का गोल, डेवलपमेंट का मतलब ये कन्फ्लिक्टिंग भी हो सकता है. कहने का मतलब, डेवलपमेंट फॉर वन एंड डिस्ट्रक्शन फॉर अदर्स. एक के लिए अगर डेवलपमेंट है तो दूसरे के लिए ये डिस्ट्रक्शन भी हो सकता है. जैसे कि डैम कंस्ट्रक्शन. डैम कंस्ट्रक्शन फॉर द people who are living in the city areas, they might get regular supply of electricity due to construction of dam. Okay, so dam construction might be development for the people who are living in the city areas. Dam construction is development for those people who have taken the contract of the construction of the dam. जिन लोगों ने डैम कंस्ट्रक्शन करने का कॉन्ट्रैक्ट लिए होंगे उन लोगों के लिए भी एक डेवलपमेंट होगा. बट दोज पीपल
who are living in the surrounding of the dam, they might have displaced due to construction of the dam. जो डैम कंस्ट्रक्शन करते वक्त जिन लोग उस एरिया में रहते होंगे उन लोगों को डिस्प्लेस किया गया होगा, वहाँ से हटाया गया होगा, और इन लोगों को हटाने के बाद कंपनसेशन सही से नहीं मिला होगा, तो ये लोग के लिए तो डिस्ट्रक्शन हुआ ना। साथ साथ जो लोग उस सराउंडिंग में रह रहे हैं जहाँ पर डैम कंस्ट्रक्ट किया गया है, ठीक है, तो वहाँ पर आपका होगा कि वहाँ का नेचुरल इन्वायरमेंट में चेंजेस हुआ ड्यू टू डैम कंस्ट्रक्शन। तो जिस ढंग से ये लोग अपना जीविका चला रहे थे उसमें यहाँ सडनली परिवर्तन आया, जिसके चलते इसका इन लोगों का लाइफ में नेगेटिव इफेक्ट भी तो हो सकता है। दैट मीन्स गोल ऑफ डेवलपमेंट इज कन्फ्लिक्टिंग ऑल्सो। ओके, नाउ वी ऑफन हियर दैट इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री, नेपाल इज अ डेवलप, नेपाल इज under developed country, and USA is a developed country. We often say, but how we say, हम कैसे कहेंगे, कैसे हम मेजर करेंगे कि कौन सा कंट्री डेवलप है, कौन डेवलपिंग है और कौन अंडर डेवलप है। ओके, क्राइटेरिया यूज फॉर मेजरिंग डेवलपमेंट, नंबर वन वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक भी डिफरेंट कंट्रीज को मेजर करते हैं कि वो डेवलप्ड है, डेवलपिंग है और अंडर डेवलप्ड है। वर्ल्ड बैंक जो क्राइटेरिया यूज़ करते वो ओनली वन, दैट इज एवरेज इनकम यूज़ करते। एवरेज इनकम ऑल्सो कॉल्ड पर कैपिटा इनकम, जो क्लास 9 में भी आप लोगों ने पढ़ी होंगी, एवरेज इनकम को पर कैपिटा इनकम भी कहते। और ये हम लोग इजीली फाइंड आउट कर सकते, टोटल इनकम ऑफ अ कंट्री डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री, दैट इज द पर कैपिटा इनकम और एवरेज इनकम। देश का जितना भी इनकम है उसको देश का टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड करेंगे तो एवरेज इनकम अर्थात पर कैपिटा इनकम हमको मिलेगा, कहने के मतलब हर एक व्यक्ति का इनकम कितना होगा, ठीक है। दैट मीन्स वर्ल्ड बैंक मेजर कंट्री वेदर इट इज डेवलप्ड, डेवलपिंग और अंडर डेवलप ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज इनकम। US डॉलर 12,616 एंड अबोव पर अनम रिच कंट्री, दैट मीन्स जिस कंट्री का एवरेज इनकम जो है अर्थात पर कैपिटा इनकम जो है US डॉलर 12,616 है और उससे ज़्यादा है, उस कंट्री को रिच कंट्री अर्थात डेवलप्ड कंट्री कहा जाएगा। एंड US डॉलर 1,035 और लेस लो इनकम कंट्री, जिस कंट्री का इनकम जो है आपका एवरेज इनकम अर्थात पर कैपिटा इनकम US डॉलर 1,035 है और उससे कम है, उसको लो इनकम कंट्री अर्थात अंडर डेवलप कंट्री कहा जाएगा। और ये दोनों के बीच में इन बिटवीन, दैट मीन्स लेस देन US डॉलर 12,616 एंड मोर देन US डॉलर 1,035, जिस कंट्री का भी एवरेज इनकम होगा उसको मिडिल इनकम कंट्री कहते, जैसे कि इंडिया। ओके, और इसी तरह से UNDP ऑल्सो मेजर द डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री। UNDP फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्रामिंग। ओके, एंड UNDP फॉर मेजरिंग द डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री यूज द क्राइटेरिया दैट इज एवरेज इनकम ऑल्सो, जो वर्ल्ड बैंक ने यूज़ किया सिर्फ एवरेज इनकम। अब UNDP सिर्फ एवरेज इनकम ही यूज़ नहीं कर रहा है क्राइटेरिया, एवरेज इनकम तो कर ही रहा है, एट द सेम टाइम हेल्थ स्टेटस ऑल्सो एंड एजुकेशनल लेवल ऑफ पीपल, दैट मीन्स उस कंट्री का लोगों का हेल्थ कंडीशन कैसा है ये भी देखते हैं, साथ साथ एजुकेशनल लेवल ऑफ द पीपल कैसा है, एजुकेशनल लेवल ये भी देखते हैं। ये सारा चीज को देखने के बाद ही वो डेवलप्ड है या तो डेवलप नहीं है ये फाइंड आउट करते UNDP। ओके, बाकी हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।